हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक चने दाल की रेसिपी। ये एक बिना लहसुन और बिना प्याज की रेसिपी है और ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब चना डाल लिया है, जिसको मैं पानी में अच्छे से 2 से 3 बार के लिए धो लूँगी और इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। मैंने यहाँ कुछ किशमिश लिया है, जिसका मैं एक पेस्ट बनाऊंगी थोड़ा सा पानी डालकर। आपको सारे मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। भीगे हुए चने दाल को मैं प्रेशर कुक कर लूंगी 4 से 5 सीटी आने तक। जब तक कि हमारा दाल प्रेशर कुक हो रहा है, मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें मैंने तेल को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ पनीर के टुकड़े, जिसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी और अलग रख दूंगी। प्रेशर कुक का प्रेशर निकलते ही मैं दाल को अलग रख दूंगी और जिस पानी में मैंने दाल को उबाला है उसको भी अलग से साइड पे रख दूंगी। मैं उसी कढ़ाई पे घी डाल रही हूँ और साथ ही में मैं डाल रही हूँ जीरा, तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च, और साथ में मैं डाल रही हूँ हींग। इसको मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट और कुछ कटे हुए हरे मिर्च। इसको भी मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ नारियल के टुकड़े और काजू के टुकड़े। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर, हरा मटर और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं टमाटर को तब तक पकाऊंगी कि जब तक ये गल ना जाए। इसको पकने में करीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ घिसा हुआ नारियल। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए चला लूँगी। अब मैं फ्लेम को लो करके कुछ सूखे मसाले डालूँगी, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और शक्कर। फिर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इस मसाले को लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। फिर मैं इसमें किशमिश का पेस्ट डालूंगी और इसको फिर से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस। इसको मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर लूंगी। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें उबले हुए चने के दाल। अब मैं इस सबको अच्छे से मिला लूंगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, जिसमें हमने चना दाल बॉईल किया था। अच्छे से इसको मैं मिला लूंगी। मीडियम फ्लेम पे इसको उबाल आने दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। फिर मैं ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी। बीच बीच में मैं ढक्कन हटा के इसको 1 से 2 बार चला लूंगी। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ कटे हुए हरी मिर्च और गरम मसाला पाउडर। सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी। फिर से मैं ढक्कन लगा के इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूंगी। लास्ट में मैं डाल रही हूँ कुछ कटे हुए हरे धनिए। सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी और तैयार है आपका बहुत ही डिलीशियस सा चना दाल। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी।